Abisnya. Ya, Bu Adit ya. Hai. Hai. Pilih tante. Tante. What? Tante. Biarin tante. Hah? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बोला था कि 17 तारीख से जो है तूफान आने वाला है एपी में, और वो स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे एरिया जो है अभी तक वाटर लेवल्स बहुत हाई हो चुके हैं। तो सारे स्कूल्स बंद है, ऑफिसेस तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा होता है, लेकिन ऑफिसेस का अभी तक कुछ पता नहीं है। इनका भी है कि इनको ऑफिस जाना है, बट बहुत ही बुरी तरह बारिश हो रही है और रोड्स पूरे ब्लॉक हो चुके हैं क्योंकि पानी बहुत ऊपर तक भर चुका है। और ये साइक्लोन कहा न्यूज़ में बताया जा रहा है कि 18 तारीख तक रहेगा, लेकिन इस बीच में अभी और भी इंक्रीज़ होने वाला है इसका क्वांटिटी, जिस स्पीड से अभी आ रही है बारिश और पूरा जो भी चार्ट दिखाते हैं जो भी रहता है उनका, उसमें दिखा रहे कि बहुत तेज़ी से अब बढ़ने वाला है करके। आई जस्ट प्रे कि एवरी वन स्टे सेफ इन दिस, और स्पेशली बच्चों को बाहर नहीं जाने दीजिए क्योंकि जब पानी भर जाता है तो ड्रेनेज के जो बहुत सारे ढक्कर होते हैं वो दिखते नहीं है, कुछ खुल जाते हैं, जैसे पानी घुसता है तो कुछ खुल के साइड में चल जाते हैं और जो ऑलरेडी खुले होते हैं वो दिखते नहीं है। इससे पहले भी हमने कुछ केसेस देखे थे जहाँ पे बच्चों को ऐसी सिचुएशन में भी लोगों ने जो है स्कूल एंड ट्यूशन भेज दिए थे, और बाहर निकलती एक लड़की ने जो है सीधा जो है ड्रेनेज हॉल में स्टेप कर दिया, जिसकी वजह से वो डूबी एक एरिया में थी और उसकी उस बच्ची की बॉडी जो है दूसरी जगह वाइजाक में कहीं बीच के पास मिली। सो दैट वाज वेरी मच टेरेबल। लेट मी शो यू द एटमॉस्फेयर नाउ। आई जस्ट गॉट अप, इट इज़ 8:30 नाउ, बिकॉज आज स्कूल भी नहीं था और होता भी तो हम भेजते नहीं बिकॉज क्लाइमेट बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी दिखाती हूँ मैं एक बार बाहर, और आज एक फंक्शन में भी जाना था हमको, तो वो भी अभी उन लोगों ने बहुत बोला था कि आना पक्का करके, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल नाउ बिकॉज रोड्स ब्लॉक है, बारिश इतनी हो रही है। तो लेट्स सी कि क्या होगा, पता नहीं। अभी मैं आपको बाहर का एक बार नज़ारा दिखाती हूँ यहाँ पे, और उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी एपी की क्या हालत चल रही है। बारिश यहाँ पे तो इतना नॉर्मल लग गया, लेकिन सिटी में जाते ही जो है व्हीकल्स और सब एकदम ना अभी डूबना शुरू हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या बोलते हैं हेल्थ में भी चेंजेस आते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ेगा अभी, क्योंकि जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है तो सर्दी जुकाम बुखार सब आते रहते हैं। और आज जो है मेड भी नहीं है, इस टाइम तक आ जाती थी, अभी इतनी बारिश आ रही है तो मेड कैसे आएगी, तो इसलिए मेरी नींद भी लेट खुली क्योंकि स्कूल भी नहीं था और मेड भी नहीं आई। मेड जब घंटे बजाते तो कैसे भी उठ ही जाते थे। अभी मेरे को ब्रेकफास्ट बनाना है और मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ सेविया उपमा। आई थिंक कि डिस्टर्बेंस आ रहा होगा पानी का, और रात को सोते सोते भी 1:30-2 बज गए थे, इसलिए सुबह सुबह नींद नहीं खुल रही है। मैंने सोचा चलो बीच में गैप आ गया था, अभी बर्थडे की वजह से वॉकिंग नहीं गए, आज वॉकिंग जाएंगे रात को, क्योंकि बिल्कुल बारिश नहीं थी, ऐसी दिन में थोड़े से छींटे पड़े थे मगर नहीं होगा करके, बट सोचते हैं ना कभी कभी, बोला है साइक्लोन शायद इतनी जल्दी शुरू नहीं होगा, बट शुरू हो गया है। और मेरी सासू माँ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे घर की हालत क्या हो रही, क्योंकि आंध्रा में पूरी जगह आ रहा है ये साइक्लोन, तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली आ ही रहा होगा। तो बैठे बैठे सोच रही थी घर में ऊपर छत पे अगर वो जो पानी पाइप से जो नीचे जाता है बारिश का पानी, अगर वहाँ पे कुछ आड़े आ गया तो छत पे पानी भर जाएगा, ज़्यादा टाइम पानी ऐसे रहा तो फिर शायद लीकेज हो सकता है। तो शी इज़ थिंकिंग अ लॉट रिगार्डिंग दैट। जो मैं मैंने बोला था ना कि बड़े लोगों को थोड़ी फिक्र ज़्यादा हो जाती है, और कुछ लोगों ने मुझे भी मैसेज किया था कि जब ऐसी एज ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो अपना घर ही अच्छा लगता है बड़े लोगों को, और चाहे कैसा भी हो आप कितनी भी फैसिलिटी दे दो उनको पसंद नहीं आता है। तो उनका अभी वो क्या बोलते हैं फिज़िकली यहाँ प्रेजेंट है लेकिन मेंटली वहीं पे है। तो चलिए अब मैं सेमिया उपमा बनाती हूँ, वैसे ही लेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं किचन में प्रस्थान कर चुकी हूँ, और सबसे पहले
एक ऑनियन काट रही हूँ तो बहुत ही फटाफट फटाफट कर रही हूँ, कोई भी प्रॉपर प्रोसीजर में नहीं, जो जहाँ रखा है फटाफट जैसे है वैसे के वैसे कर रही हूँ। तो पहले मैंने एक पैन ले लिया और उसमें कड़ी पत्ता डाल दिया और ऊपर से जो है 2-3 चम्मच तेल डाल रही हूँ। और तेल डालने के बाद एक प्याज लिया है जो काट के थोड़े लंबे लंबे स्लाइसेस में मैं उस पैन में डाल दूँगी। तो सासू माँ भी आके खड़ी हैं अभी यहाँ पे, और मौसम इतना ठंडा है तो साड़ी कोई ओढ़े जा रही थी, मैंने बोला शॉल दे देती हूँ ओढ़ लीजिएगा आप, तो बोले नहीं। फिर मैंने बोला चलो अब कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल लिए हैं उसके अंदर, एक प्याज काफ़ी है सेवियाँ उपमा में, और बाकी अगर आप कुछ और वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं कैरेट वैरेट तो वो भी डाल ही सकते हैं आप। और यहाँ पे अभी डालने के बाद इसको आपको थोड़ा अच्छी तरह मिला लेना है और थोड़ा सा ग्रीन चिली भी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे पहले मैं इसको प्याज को थोड़ा सा ऐसे हिला दे रही हूँ और उसके बाद अभी मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज़। तो ग्रीन चिलीज़ जो है मैं थोड़ा कैंची से काट के डायगोनल शेप में काट रही हूँ, तो बहुत अच्छा सा शेप आता है, तो बीच में जब दिखती है खाते टाइम पे तो वो शेप भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए अच्छा लग रहा है ना अभी। तो मिर्ची भी डाल के अच्छी तरह इसको मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है स्वाद अनुसार, और उसके बाद थोड़ा सा हिला के इसमें आपको पानी डाल देना है। मैंने यहाँ पे ये पूरा फुल ग्लास पानी डाला है, और पानी आपको सेमिया आप जितनी क्वांटिटी डाल रहे हैं उसके हिसाब से डालना है। तो सेमिया भी थोड़ा ही बचा था तो मैं धीरे धीरे करके उसको डाल रही थी और मिला के रख रही थी। सेमिया डालते ही आपको 2 मिनट तक कंटिन्यूसली उसको घुमाते रहना है, और जब पानी जो भी आपने डाला है वो नज़दीक आ जाए, मतलब लास्ट में ऐसा नहीं है कि पूरा पानी जब तक पूरा सूख नहीं जाता तब तक आप घुमाते रहे, ऐसे नहीं करना है, वरना जो है सेमिया पूरा चिपका चिपका सा हो जाएगा। और अभी फिर मेरी सासू माँ आके खड़ी है तो मैं उनसे बात कर रही हूँ और साथ साथ इसको घुमा भी रही हूँ। तो जब आपको लगे थोड़ा सा पानी है जो मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में है, तब आप गैस ऑफ़ करके 2 मिनट ढक्कन लगा दें, और जैसे ही आप खोलेंगे उसको तब वो करेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये रहा हमारा सेमिया, तो हम सब अभी खा भी चुके, और जैसे कि मैंने बोला था हम लोग फंक्शन में जाने वाले हैं तो फाइनली मैं फंक्शन के लिए रेडी हो चुकी हूँ। कौन सा फंक्शन था क्या था वो आप आगे देखिएगा, मैं बताऊँगी आपको। तो आपको मेरी साड़ी कैसी लगी, साड़ी की कहानी और आज के फंक्शन की कहानी मेरी ज़ुबानी सुनने को मिलेगी अभी आपको आगे इस वीडियो में। तो अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और बिना बोले अभिषेक जो है हाय कर रहा है, तो सासू माँ मेरे साइड में बैठी हैं और उस साइड में हमारी नेबर आंटी बैठी है और आगे अंकल बैठे हैं, और अंकल के पास ही आदित्य बैठा है। तो देखिए पानी सिटी में इतना भर गया है, मुझे इतना नहीं लगा था कि इतना पानी होगा, वरना तो मैं पक्का कैंसिल ही कर देती अगर अंकल लोग बोलते तो भी मैं नहीं आती बच्चों को लेके, क्योंकि उतरने के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बच्चे जो है अभी छोटा वाला मेरे बिना कहीं उतरता नहीं है, किसी के पास जाता नहीं है, तो थोड़ा सा मैनेज करना डिफिकल्ट, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि गाड़ी कहीं पे भी खड़ी करो हर जगह पानी है, पैर नीचे रखो तो पानी है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो गई थी। तो देखिए कितना पानी है, और बच्चे भी और लोग भी घूम रहे हैं, उनकी भी गाड़ियाँ जो है आधी आधी अंदर जा रही थी। तो देखिए वाइपर भी चल ही रहा है क्योंकि बारिश आ ही रही है। और ये देखिए यहाँ पे भी कितना पानी है, मतलब जहाँ पे भी हम जा रहे थे वहाँ पानी मिल ही रहा था। यहाँ पे थोड़ा लेवल कम है लेकिन बाकी जगह पे और भी लेवल बहुत ऊंचा ऊंचा हो रखा था। तो मैं बोल रही थी जो ड्राइवर भैया थे उनको कि ऐसी जगह से लेके जाओ जहाँ पे मेन रोड हो, कहीं पे पानी रुकने का चांस ना हो, क्योंकि बच्चों के साथ है अभी हम तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो फंक्शन में क्योंकि जाने का कोई प्लान नहीं था इसलिए मैंने पहले गिफ्ट भी नहीं लिया था, फिर रास्ते में जो है मैंने एक अच्छा सा गिफ्ट ख़रीदा उन लोगों के लिए, तो यहाँ से लिया था और सारे आइटम्स अवेलेबल थे इस शॉप में। और जल्दबाजी में मैंने भैया को बोला था कि जो शॉप मिले वहाँ रोक देना, मैंने शॉप का नाम भी नहीं देखा, और इसका नाम कुछ पी से कुछ था लेकिन याद नहीं आ रहा है मुझे, तो बिल पे देखने से याद आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल थे, डेकोरेटिव आइटम्स एंड होम नीड्स A to Z आइटम्स सारे अवेलेबल थे। देखिए ये कितने ब्यूटीफुल जो है कांच के जार है, और जो हमारे हैंड वॉशेस होते हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे थे,
एंड डाइनिंग डिनर सेट जो भी होते हैं वो भी अच्छे थे। और ये देखिए यहाँ पे ये बेलीज है और टॉर्टोइस एंड बहुत ही क्रिस्टल के चीज़ें भी बहुत अच्छी अच्छी थी। आदित्य को नीचे वाला पसंद आ गया था तो वो दिखा रहा था नीचे वाला। और यहाँ पे अगर आपको डिनर प्लेट्स चाहिए, सेट चाहिए ओवरऑल, वो भी है, प्लस मिल्टन की बॉटल्स एंड प्लास्टिक के बास्केट्स जो मैं आपको बार बार ऑर्गेनाइजिंग के लिए दिखाती रहती हूँ वो भी बहुत सारे थे यहाँ पे। तो वैसे मुझे बास्केट्स की ज़रूरत है तो मैं किसी और दिन पक्का आऊँगी और परचेज करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। अंकल लोग पहले से रेडी थे और बाद में हम रेडी हुए, फिर आए, फिर गिफ्ट के लिए, मतलब गिफ्ट के लिए मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, बस 10 मिनट में सब कुछ सेलेक्ट करके पैक करके निकल लिए हम। तो स्टील के आइटम्स और ये देखो सीजर्स के स्टैंड एंड ये सब कुछ ए टू जेड सारा आइटम था। तो दो फ्लोर में है ये, एक फर्स्ट फ्लोर में है, उसके बाद सेकेंड फ्लोर में भी वो और भी बहुत सारे आइटम्स हैं। तो मैंने भी कुछ, जब जनरली ऐसे फंक्शंस में जाते हैं तो इट इज़ प्रेफरेबल दैट यू गिव समथिंग लाइक बोल्स एंड ऑल, तो मैंने बोल टाइप के ख़रीदे थे, मतलब चार क्या बोलते हैं पिंगानी के कटोरिया एंड बड़ा वाला बाउल लिया था, तो काफ़ी अच्छा था। फिर उसको मैंने पैक भी करा दिया था, वो भी आप देखेंगे आगे। तो वो भैया बोल रहे थे ये वाली ले लो मैडम, आजकल ये गिफ्ट करते हैं, लेकिन सबको शायद मेरे को लगा कि पसंद नहीं आएगा इसलिए मैंने ये वाला नहीं लिया। तो शॉप में देखिए नॉन स्टिक के भी सारे पैन स्पून सब कुछ है। अभी ऐसी शॉप में आते हैं ना तो लगता है ये भी ले लूँ अपने लिए, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, लालच बड़ा आता है ऐसी चीज़ों खरीदने के लिए। और ये रहा वो गिफ्ट जो मैंने उन लोग के लेके पैक करा रही थी मैं यहाँ पे। और आदित्य जो है इन्विजिलेशन कर रहा है कि प्रॉपर पैकिंग चल रही है कि नहीं करके देखो कैसे देख रहा है वो। और यहाँ पे देखिए जो वुडन स्टिक्स एंड वुडन बेलन वो सब वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, चकला बेलन एवरीथिंग। और उसके बाद सारी शॉपिंग हो गई, मैं पैकिंग करा रही थी, आदित्य भी खड़ा था वहाँ पे, मैं भी खड़ी थी, तो बोल रहा था मम्मी इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तो पता नहीं कि वो कुछ शो पीस उसको बड़े पसंद आए थे वो दिखाने के लिए ले गया था फिर उधर। और उसके बाद उसके लिए एक वाटर बॉटल भी ली मैंने, क्योंकि दो कितनी बार वाटर बॉटल खरीदी है लेकिन कहीं ना कहीं घूम कर दे रहा था। तो अभी हम फंक्शन में पहुँच चुके हैं, वो देखिए दो लड़कियाँ जो बैठी है, इसके फंक्शन के बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊँगी आपको। तो थोड़ा सा आपको स्नैप दिखा दिया। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ कि एक दूसरे को पार करना भी मुश्किल हो रहा था, इधर से जाना भी। तो अभिषेक भी यहाँ पे खेल रहा है, चेयर वेयर पे चढ़ रहा है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग भी जो है, मैंने पहले चारों तरफ का एक लुक आपको दिखाने के लिए एक 360 डिग्री व्यू ले लिया इस हॉल का। और उसके बाद जो है हम लोग भी गिफ्ट देने के लिए स्टेज पर चले गए थे। तो वो उसका भी एक मैंने एक जगह पर ट्राईपॉड अपना प्लेस कर दिया था, फिर भी आपको कट कट करके दिखा रही हूँ कि बीच में बहुत सारे लोग जो है आगे पीछे आ गए थे। तो अभी जो है हम जा रहे हैं स्टेज पे। तो यहाँ पे मैं गिफ्ट दे रही थी लेकिन वो दोबारा जो है अभिषेक को वापस दिए जा रही थी गिफ्ट। मैंने बोला ये बेटा आपके लिए है, आप ही रखो करके उसको दिया। देखो वो वापस फिर उसी को दे रही है फिर एक पोज लिया हमने, फोटोग्राफर ने बोला खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, और फिर हम स्टेज से उतर गए। और अब हम लोगों ने जो है यहाँ पर लंच भी कर लिया था। तो जब भी लोग ज़्यादा हो रहे थे तो भैया जो है साफ़ करने वाले आके मॉपिंग करे जा रहे थे। और यहाँ पे हमारा फंक्शन ख़त्म हुआ और दोबारा जो हम वापस गए, जिस मुश्किल से जिस पानी को हम फेस करके आए उसी को पानी को पार करते हुए फिर हम वापस गए। हाय रे वाह, फाइनली हम लोग घर पहुँच गए एंड साइक्लोन में हमने जो है फंक्शन अटेंड किया है। एक्चुअली कोई भी इरादा नहीं था कि आज हम फंक्शन अटेंड करें क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी, और जैसे कि आपने देखा होगा कि रोडों पे इतना पानी भर गया है। मैंने दिखाया था आपको कि जो छोटी गाड़ी है जो इतनी ऊंची नहीं है वो तो पानी में डूब ही रही थी, थोड़ी ऊंची ऊंची गाड़ी है वो तो ऊपर ऊपर रह रही थी, अदरवाइज बहुत मतलब एड़ियों के थोड़ा नीचे तक तो पानी आ रहा था, कहीं कहीं पे तो एड़ियों तक भी आ रहा था, तो हॉरिबल सिचुएशन थी। तो हम लोगों ने सोचा नहीं जाएंगे, फिर हमारे सामने वाली जो आंटी अंकल है वो लोग जाने लगे और उन्होंने बोला आप लोग भी आ जाओ एक ही कार में चले जाएंगे करके उन्होंने बोला। तो हम सब लोग मिलके हमारी कार में चले गए, उसके बाद उनके बोलने के बाद मैंने नहाया है और फिर रेडी हुई हूँ मैं, और एंगेजमेंट की साड़ी पहन के आधी साड़ी उठा के मतलब एकदम जो घुटने हैं घुटने तक उठा के जो है हम फंक्शन हॉल के अंदर गए।
क्योंकि जो एंट्री थी वहां पे भी पानी भरा हुआ था। तो ऐसे उठा उठा के साड़ी को उठा के अंदर गए, और बरसात में कोई फंक्शन अटेंड करना बोलो तो बहुत मतलब पिच पिच हो जाता है, क्योंकि इतना पानी है, पानी के साथ जो है पैर पूरे गीले हो रहे थे सबके, सैंडल के साथ, किसी की सैंडल टूट रही है, ऐसी सब लोग अंदर आ रहे, तो जो पूरा फ्लोर है वो भी पूरा गंदा हो ही जा रहा था। और साड़ी जो है, चाहे खाना खाओ चाहे कुछ भी करो, सब जो है उठा उठा के चल रहे थे। तो जो लुक है वो तो एक क्लासी लुक से, एक तो मतलब वो कौन सा ये उठाने वाला लुक हो गया, बिल्कुल डिफरेंट। और मैंने एंगेजमेंट की साड़ी पहनी है, शादी के बाद, एंगेजमेंट के बाद मैंने आज ही पहनी है, एंड इसको पहना और ऐसे उठा उठा के ही चली हूँ। और अभी आते आते भी उठा उठा के आई हूँ, कार में बैठी हूँ, तो कार में बैठने के बाद तो साड़ी साड़ी नहीं रहती है, ऐसे का ऐसा हो जाता है, पता नहीं कुछ का कुछ हो जाता है। तो ऐसे ऐसे डाल ली थी, और मैंने आज फिर से, अभी ये फ्रेश है ना, तो आने वाले कुछ जो भी ओकेजन्स आएंगे ना, तो ज़्यादातर मैं यही पहनने लग जाती हूँ। मतलब जो भी कोई नई चीज़ है ना, थोड़े दिन तक जब तक उसका क्रेज़ चला नहीं जाता है, मैं उसी चीज़ को पहनती रहती हूँ। तो ये मैंने पहन के रखा था, लुक तो आपने पहले ही देख ही लिया है। एंड ये इसका ब्लाउज नहीं है, इसका ब्लाउज जो है वो तो अभी आने वाला नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी टाइट हो चुका है। तो इसलिए मैंने कुछ ऐसे वाले ब्लाउजेस खरीद के रखे हैं जो हर किसी के साथ मैच हो जाए, मिक्स एंड मैच रेडीमेड ब्लाउजेस आते हैं। एक बार मैंने पहले आपको एक साड़ी पहन के दिखाई थी, तब भी उसके साथ ये वाला ब्लाउज पहना था। तो इसके हम ये वाली कलर भी पहन सकते हैं, ये वाला भी कलर पहन सकते हैं, ये वाली भी पहन सकते हैं, ये वाला, मतलब चार कलर आराम से पहन सकते हैं। और अभी ये लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो मैं सोचा चलो पहले आपको एक बार, अरे अभिषेक देखो वो गाड़ी लाके जो है दरवाजे पे ठोक रहा है। तो सब लोग ने जो है आज का फंक्शन है बहुत ही ट्रैकिंग के साथ, बहुत ही एडवेंचर के साथ अटेंड किया है, क्योंकि लोग इतना बन ठन के आ रहे थे, क्योंकि फंक्शन हॉल कौन सा है किसी को मतलब सबको आइडिया नहीं होता है। अगर आइडिया भी होता है तो बारिश के टाइम पे उसकी एंट्रेंस का ये हाल हो जाएगा, किसी को नहीं मालूम। तो सब बहुत ही क्लासिक तरीके से ऐसे ऐसे बन ठन के निकले थे यहाँ से, और वहां जाते ही सब लोग साड़ी उठा के खड़े हैं ऐसे। तो इट वॉज अ फनी थिंग जो हम देख रहे थे, मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा कि रेडी होने के बाद कैसे काम भी करने पड़ सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट सेरेमनी थी। अच्छा ये सेरेमनी कौन सी थी वो तो मैं बताना भूल गई। ये सेरेमनी थी जब यहाँ आंध्रा साइड में, जो साउथ साइड में है, जब लड़की मैच्योर होती है तो उसका फंक्शन किया जाता है। तो नॉर्थ में ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पे किया जाता है। कुछ दिन पहले भी मेरे को उन्होंने बुलाया था, जैसे ही मैच्योर होती है उसको एकदम अलग बिठा देते हैं, अलग चटाई डाल देते हैं, सब कुछ एकदम, मतलब उसको छुआछूत की बीमारी हो जाती है मान लीजिए। तो ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, लेकिन पूर्वजों के टाइम से ऐसी चीज़ें चलती हुई आ रही है। द थिंग इज, अभी इसको बदलना भी बहुत जल्दी से मुश्किल है। क्या होता है कि पहले ज़माने में लोग साबुन यूज़ नहीं करते थे, पहले ज़माने में लोग सैनिटरी पैड्स नहीं होते थे, कपड़ा यूज़ करते थे। एंड पहले ज़माने में अंडरवेयर्स भी नहीं रहती थी, लोग जो है बिना अंडरवेयर के ही अगर पीरियड्स आते थे तो कपड़ा जो है अपने कमर में एक नाड़ा टाइप का बांध के कपड़े को आगे और पीछे करके लगाते थे। तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस थी, तो हाइजीन का तो कोई सवाल ही नहीं बनता था। अभी आप किसी गंदी चीज़ में हाथ रखोगे, मतलब मेरा मतलब ये नहीं कि पीरियड्स चले जब, अगर आप मट्टी में हाथ रखे या बाहर एकदम डस्ट में खेल कूद के आके खाना खाओगे तो ऑब्वियसली बीमारी तो आएगी। तो सेम गोज की जब कोई साबुन ही यूज़ नहीं करता था, पीरियड्स के टाइम पे भी जो है प्रॉपरली वॉश करना पड़ता है, वेजाइना को सब कुछ करना पड़ता है, और उसके बाद आप साबुन से, या तब सैनिटाइजर्स भी नहीं होते थे, और साबुन होते थे लेकिन यूज़ बहुत कम करते थे। तो इस वजह से जो है हाथों में गंदगी हमेशा ऐसी रहती थी, और उसके बाद लोगों ने अगर अचार छू लिया या कुछ भी छू लिया तो वो तो ऑब्वियसली ख़राब होना ही है, बिकॉज वहाँ पर सफाई नहीं मेनटेन की जा रही है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से तब से जो है जो भी लड़की मैच्योर होती थी तो उसको जो है एक अलग चटाई पे बिठा देते थे, उसको कोई छूता नहीं था। और अभी भी ये अभी भी का चल रहा है ये, तो हमारे जो ऊपर रहते हैं, मतलब हमारे अपार्टमेंट में जो रहते हैं, उनकी लड़की भी मैच्योर ही, वो 11 साल की है, तो उसके घर में भी मतलब मैंने कभी देखा नहीं था, सुना है लेकिन कभी, क्योंकि मैं बिलोंग तो साउथ इंडिया से करती हूँ लेकिन नॉर्थ में पली बड़ी थी, इसलिए मेरे को इन सब के बारे में पता भी नहीं था। तो जब ऐसी चीज़ें पता लगी, मतलब अभी नहीं बहुत पहले पता लगी, लेकिन लाइव में देखने से कुछ और होता है ना, जब मैं उसके घर में गई तो लड़की को सेपरेट बिठा के रखा है और कोई उसको छू नहीं रहा है, और उस लड़की के लिए एक सेपरेट से एक आंटी रखी हुई है, मतलब उनकी दादी हो गई या उनकी सासू माँ हो गई या उनके रिश्तेदारों में, कि अगर लड़की का कुछ भी करना है, मतलब उसके अगर कपड़े बदलने हैं, अगर उसको वॉशरूम जाना है, अगर उसको कुछ पानी पीना है, तो वो एक इंसान ही देगा उसको।
तो अगर उस एक इंसान ने जो है उसको छुआ है तो तब तक ठीक है, अगर जो उसकी सेवा कर रही है उसको भी अगर हमने छू लिया है तो हमको फिर से नहाना पड़ेगा। मतलब जो उसको छू रहा है या उससे रिलेटेड वाले को जो उसकी सेवा कर रही है उसको छू रहा है वो भी नहा के आ रहा है। तो मेरे को देख के तो बड़ी हैरानी हुई यार, मतलब सुनने में एक लगता है लेकिन प्रैक्टिकल देखने में बाप रे इतना दिन, एंड दिस थिंग दे फॉलो फॉर एटलीस्ट 9 days, कुछ लोग 3 दिन तक करके छोड़ देते हैं, कुछ लोग 5 दिन, लेकिन कुछ लोग 9 दिन तक भी करते हैं एंड दे वर डूइंग दैट। तो अब 9 दिन कंप्लीट हो गए थे तो ये 9वें दिन पे ये फंक्शन रखते हैं जिसमें वो लोग बोलने के लिए, पहले तो इसी का फंक्शन रखते थे, अब ओनी फंक्शन करके इसका नाम रखा है फंक्शन का। मतलब ये है कि लड़की मैच्योर हो गई है, उसका एक ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जाता है, तो उसी सेलिब्रेशन में हम गए थे, लेकिन ये ओनी फंक्शन का इसका नाम दिया होता है। पहले ज़माने में दोनों ओनी फंक्शन अलग होता था और ये वाली चीज़ अलग होती थी, लेकिन अब ये चीज़ थोड़ी बताने के लिए लोगों में भी थोड़ी अवेयरनेस आ गई है, तो इस चीज़ को ढिंढोरा पीट के क्या बताना करके उसका नाम कन्वर्ट करके ओनी फंक्शन कर दिया। तो उनकी 2 बेटियां हैं तो दोनों बेटी का साथ में ओनी फंक्शन कर दिया, मतलब उनकी छोटी बेटी तो अभी मैच्योर नहीं हुई है, अभी पीरियड्स उसके स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन दोनों का मिलकर जो है ओनी फंक्शन, जिसमें ओनी फंक्शन मतलब छोटी लड़की जब बड़ी हो जाती है तो उसको साड़ी पहना के फंक्शन जो है किया जाता है, साड़ी या हाफ साड़ी पहना के फंक्शन किया जाता है कि बड़ी हो गई है बेटी करके। तो ऐसे दोनों को जो है ऐसे कपड़े वपड़े बना के फंक्शन अरेंज किया, एंड ओवरऑल जो भी होता है खाना पीना वो सब हो गया। तो उसमें अभी हम जाके आए, साड़ी उठा के आए और एडवेंचर करके आए। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ क्योंकि बच्चों को वहाँ खिलाना ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली जब ऐसी सब पट्टू साड़ी पहनी है आज मैंने, ये मेरी एंगेजमेंट की साड़ी है, तो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। बहुत दिनों के बाद मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अरे इसको छुपा के रखना था, मैं वह 7 साल से तो छुपा के रखी और कितना छुपाऊँ, अब तो पहन ही लेते हैं करके फिर मैंने पहन लिया इसको, और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये साड़ी। मतलब जो भी मेरी शादी की साड़ी है किसको पसंद नहीं होती है, सबको पसंद होती है। तो इसका बॉर्डर देखिए कुछ ऐसा है, अच्छा लग रहा है ऐसे। तो अभी मैं चेंज कर लेती हूँ और ज़रा राहत की सांस लेती हूँ, क्योंकि साड़ी बोलते हैं ट्रेडिशन के लिए सबसे अच्छी ड्रेस होती है, लेकिन सबसे क्या बोलते हैं मेरे को सफोकेटेड ड्रेस लगती है, क्योंकि ब्लाउज टाइट होता है, सब कुछ टाइट होता है, तो लगता है कब निकाल के फेंको और रिलैक्स वाली ड्रेस में आ जाओ। तो मैं रिलैक्स होने के बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो अब जो है मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अभिषेक को सुला दिया है, क्योंकि अगर सुलाओ नहीं ना तो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था, वो हिल रहा है, तो उसको मैंने सुला दिया है अभी। और इससे आगे मैं ब्लॉग करूं मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर मैं अभी रेस्ट नहीं लूंगी तो मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाऊंगी। तो आप लोग को अगर अच्छा ब्लॉग देना है तो रेस्ट की भी थोड़ी जो है ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है, थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है। तो उस ज़रूरत को पूरा करके अपनी एडिटिंग करके पोस्ट करना है ना आप लोग के लिए, तो अच्छी तरह एडिट करके आप लोग के लिए पोस्ट कर दूँगी। और आई होप आपको ये वीडियो पक्का अच्छा लगेगा, एंड थोड़ी बहुत हंसी भी पक्का आएगी, क्योंकि मेरी वीडियो में थोड़ी बहुत कॉमेडी शायद रहती है ना। तो वो मेरा अटेम्प्ट भी वही रहता है कि मैं आपको इत्तू सा तो हंसा पाऊँ। एंड कोइंसिडेंटली ये जो नेल पेंट है सारी ड्रेसेस के साथ सूट हो रहा है, साड़ी के साथ भी सूट हो रहा है, नाइटी के साथ भी सूट हो रहा है, सबके साथ सूट हो रहा है। तो चलो मैं अभी ये व्लॉग जो है खल्लास करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चिपकाना मत भूलिएगा और हमारी सिटी के लिए प्रे कीजिएगा कि सब कुछ सेफ रहे साइक्लोन में, किसी को कोई माल हानि कोई कोई भी तरह की हानि ना हो बस। तो चलिए प्लीज़ लाइक चिपका दीजिएगा और शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा घंटी बजाते हुए। विल मीट यू टुमारो, बाय बाय।